हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज वेलकम, सबसे पहले तो वेलकम आप सभी का नए व्लॉग में। तो गाइज अब आए हम इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम, जो कि लोक कल्याण मार्ग में ही पड़ता है और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है और काफ़ी अच्छा म्यूजियम है। किसी ने रिकमेंड किया था जब अपना यहाँ भी ज़रूर आना, तो अब आए हैं और देखते हैं। तो चलो फिर आओ अंदर मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको साइज। तो गाइज सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंदिरा गांधी में इस घर में इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद सन 1964 में रहने आई। सूचना प्रसारण मंत्री और फिर प्रधानमंत्री से 19 बनने के बाद भी वे यहीं रहे। 1980 के दोबारा प्रधानमंत्री होने के बाद 15 वर्षों तक। तो गाइस ये इंट्रोडक्शन था जो कि पढ़ लिया। अब करेंगे यहाँ से एंट्री और कॉस्ट बिल्कुल फ्री है। इस म्यूजियम की काफ़ी अच्छा साफ सुथरा है। तो ये हमारी यहाँ से एंट्री है और मतलब आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई है, हो रही है अभी भी। तो हम चलते हैं अंदर। डाइनिंग रूम वो सब है इसमें, तो आपको उसकी झलक दिखाते हैं। ये है ड्रेसिंग रूम जो इंदिरा गांधी जी का होता था। और तो एक बार मार लो मैं नज़र अच्छे से, ये इंदिरा गांधी जी का ड्रेसिंग रूम था। लेक्चर होता था यहाँ बैठ के, मतलब जो स्टडी वगैरह करते थे। देखो कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ बैठते थे सामने और ये चेयर सोने रख के है। ये है राजीव सेक्शन और अब इसको दिखाएंगे हम। वाइज अभी यहाँ से शुरू हो जाता है हमारे जो राजीव गांधी जी थे उनका सेक्शन। इंदिरा गांधी जी का सेक्शन हमने दिखाया आपको, अब जो हमारे राजीव गांधी जी थे उनका। तो सबसे पहले ये हमारे राजीव गांधी जी अपने फादर के साथ, संजय गांधी जी के साथ, राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, फिर गांधी जी के साथ। ये राजीव गांधी जी का सेक्शन है। ये राजीव गांधी जी की बचपन की पिक्चर्स। उसके बाद ये क्या चीज़ें इसको देखते हैं, राजीव गांधी का टूल, राजीव गांधी जी का टूल बॉक्स ऑफ मैनी ईयर्स, राजीव का पुराना हजारों का डिब्बा होता था। और ये जब राजीव गांधी जी की सोनिया गांधी जी की शादी हुई थी। सोनिया गांधी जी जो इटली से आए थे, राजीव गांधी की शादी करके लेके आए थे। ठीक है गाइस, ये राजीव गांधी जी का सेक्शन चल रहा है सारा। तो जहाँ भी राजीव गांधी जी टूर्स के लिए जाते थे दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ उन्हें गिफ्ट्स मिलते थे, जैसे ये सारे शंख दिए गए हैं एंटीक। ये गुड लक का शंख है,
लिए कुछ गिफ्ट्स उन्हें दिए जाते थे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना, हर जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है उनको मिलते ही हैं ये सारी गिफ्ट्स। और अब ये चीज़ है जो राजीव गांधी जी ड्रेसअप होते थे बस। और गाइस देखो कितनी शांत जगह है और मस्ट विजिट जगह यार, आना चाहिए ऐसी जगहों पे घूमने के लिए हमें अपनी फैमिली के साथ। और जब भी टाइम लगता है इधर उधर तो हम बहुत घूम लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें नॉलेज देती हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए, वहाँ हम नहीं आ पाते। तो ये है वो जगह, यहाँ पे आना। अब सबसे पहले यहाँ चलते हैं, ये क्या चीज़ है। तो गाइस ये है बेडरूम, राजीव गांधी जी का है ना, इंदिरा गांधी जी का। तो देखो पढ़ो क्या कहते हैं, 15 मिनट पहले जो इंदिरा गांधी जी होती थी वो एक्सरसाइज करती थी, ये है उनका बेडरूम। और फिर ये है उनका पूजा रूम, इंदिरा गांधी जी का पूजा रूम, जब इंदिरा गांधी जी पूजा करते थे। और ये उनका पूजा रूम है, ये उनका बेडरूम है। और अब चलते हैं आगे, अब देखें और कौन सा रूम है। तो गाइस ये है बेडरूम, ये है ड्राइंग रूम, सॉरी ये है ड्राइंग रूम इंदिरा गांधी जी का, जैसे कि आप देख सकते हो बड़ा प्यारा सा बेडरूम। ये है ड्राइंग रूम, और ऐसा कहते हैं कि मीटिंग्स वगैरह जो होती थी वो इंदिरा गांधी जी यहीं बैठ के करते थे इसी रूम में, ड्राइंग रूम में। पढ़ लेना आप इसको, ये जो है इंफॉर्मेशन दी है थोड़ी इंदिरा गांधी जी के ड्राइंग रूम। अब चलते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में, एट बिल्डिंग हमने आगे करती है। तो यहाँ से चाहिए है कुछ ऐसा, ये है इंदिरा गांधी जी का डाइनिंग रूम। यार मानना पड़ेगा, इतने मतलब इतनी पब्लिक आती है यहाँ, फिर भी इतना सारा वो रखते हैं लोग, इतनी साफ़ सफाई रखी जाती है, तो मानना पड़ेगा इस चीज़ को। और आप भी अगर ऐसी जगह आते हो ना, तो मतलब साफ़ सफाई का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखा करो और वीडियो को एंजॉय करते हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब इंदिरा गांधी जी लास्ट टाइम चली थी ना, इंदिरा गांधी जी को जब मारा गया था उससे पहले, जब लास्ट टाइम इंदिरा गांधी जी चली थी वो इस पर चली थी, उस पे। ये ऐसा कैसा है, जैसे ध्यान लगा रखा है इस म्यूजियम में, तो जैसा आप देख लो इस पर चली थी। और तब इस यहाँ जब चली थी इंदिरा गांधी जी, तब उनको गोली मारी गई। तो गाइस घूम लिया म्यूजियम में, और आपको मैंने कम टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर ब्लॉग को बड़ा कर देते, बड़ा करने को तो काफ़ी कर देते यार, लेकिन फिर आप लोग भी बोर हो जाते। तो ये सब मैंने आपको म्यूजियम में दिखाया, और अब ब्लॉग को करते हैं। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो और शेयर कर देना, मतलब अपने पेरेंट्स को जो आना चाहते हो, आने की सोच रहे हो, और लाइक कमेंट करके बता देना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।